रेलवे कुछ भी कर ले, पर भोपाल मंडल और जबलपुर जोन से होकर एक भी निजी ट्रेन नहीं गुजरने देंगे। 150 प्रस्तावित ट्रेनों के निजीकरण के खिलाफ शनिवार को ये बात ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के राष्ट्रीय सहायक महामंत्री मुकेश गालव ने भोपाल में कही। वे रेलवे के निजीकरण को लेकर आंदोलन करने की रणनीति तैयार करने भोपाल आए थे। उन्होंने वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले सैकड़ों रेल कर्मियों से निजीकरण को लेकर बातचीत की। इसके बाद भोपाल व पूरे जोन में 23 अक्टूबर को परिवार के साथ आंदोलन करने की घोषणा की। मुकेश गालव ने कहा कि सरकार और रेलवे निजी कंपनियों से पटरी बिछवाए उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन पूरे संसाधन रेलवे के और उस पर आम यात्रियों से निजी कंपनियां कई गुना ज्यादा किराया वसूले, ऐसी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इसी नीति को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। मुकेश गालव के साथ यूनियन के जोनल अध्यक्ष रवि जायसवाल, मंडल अध्यक्ष टीके गौतम, दिनेश त्रिपाठी, सतीश सिंह चौहान आदि मौजूद थे। उन्होंने निजीकरण के नुकसान भी बताया और कहा कि ट्रेन रेलवे की होगी, उसे रेलवे ही ऑपरेट करेगा, केवल उसमें किराया वसूलने, साफ सफाई करने के अधिकार निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। इस तरह किराया बढ़ाने का अधिकार एक तरह से निजी कंपनियों पर होगा। कंपनियां मनमाने ढंग से किराया वसूलेंगी। आम यात्रियों के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे नुकसान का सबब बन जाएगी। इसी तरह जिन स्टेशनों को निजी हाथ में देने की बात की जा रही है, वहां पार्किंग शुल्क से लेकर प्रवेश शुल्क तक बढ़ जाएगा। इसमें भी आम यात्री परेशान होंगे। ट्रेन और स्टेशनों को निजी हाथों में देने से रेलवे में रोजगार के अवसर घटेंगे, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भोपाल और मंडल और जबलपुर जोन से होकर एक भी ट्रेन को गुजरने नहीं दिया जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।